कैपिटल बस्टिंग क्या होती है कैपिटल कैपिटल बस्टिंग बस्टिंग इज इज अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूज एक्सपेंसिस इन ऑर्डर टू ऑबटेन द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल बस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हमारे पास होते हैं हम उसे इवेलुएट करते हैं और जो अपना फंडिंग है उनको हम ऐसी जगह एक्सपेंस करते हैं एक्सपेंडिचर्स करते हैं ऐसी जगह लगाते हैं जिससे हमें उन इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके एन ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन ऑल प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स बट ड्यू टू द लिमिटेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू चूज बिटवीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाए जिससे उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उतनी कैपिटल की अवेलेबलिटी नहीं होती है कि वो सारे प्रोजेक्ट को चूज कर पाए आप पूरी कैपिटल बुस्टिंग को पढ़ते हुए आप ये मानिएगा कि आप एज अ फाइनेंशियल मैनेजर एक्ट कर रहे हो आपको फाइनेंशियल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैनेजर हो तो आपको एक्जैक्टली exactly क्या करना चाहिए तो ऑब्वियसली आपको वहां पर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है पर इन्वेस्ट कैपिटल बस्टिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें इसका हमें डिसीजन uh, मिल पाता है तो हर ऑर्गेनाइजेशन कि उसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे पर कैपिटल अवेलेबिलिटी नहीं होती है आपको कि आप एग्जैक्टली exactly कौन से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें तो हम क्या करते हैं कुछ डेफिनेशन देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू ई नेमोस कैपिटल बस्टिंग और कैपिटल मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग न्वेस्टमेंट और एलोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंडस आर टू बी मेड बाई एंटरप्राइजेज ये कैपिटल बिस्टिंग या हम कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं वो एक प्रोसेस है जिसमें हम ये डिटोमाइंड करते हैं कि अपनी जो लॉन्ग टर्म फंडस हैं उनको कहाँ एलोकेट करें किस तरह के इन्वेस्टमेंट में लगाएं जिससे कि इंटरप्राइज को फ़ायदा हो एक और डेफिनेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू लिंच कैपिटल बस्टिंग कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ अवेलेबल कैपिटल for the purpose of maximizing the long term profitability of the concern capital budgeting kya hai ye ek planning hai जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास available capital है उनको हम enterprise के या firm के ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाएं ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके अब वो प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स की बात नहीं हो रही है ये पूरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है कि हम ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें कि जिससे हमें क्या हो प्रोफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो सके तो ये पूरा प्लान करना ही कैपिटल बस्टिंग है अकॉर्डिंग टू लेंच नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू मिल्टन एच स्पेंसर कैपिटल बुस्टिंग इन्वॉल्व द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एसेट्स द रिटर्न फ्राम विच विल बी रियलाइज्ड इन फ्यूचर टाइम पीरियड तो कैपिटल बस्टिंग में क्या इन्वॉल्व होता है एक प्लानिंग करना इन्वॉल्व होता है कैसी प्लानिंग कि हम ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करें ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स में एक्सपेंडिचर करें जिससे कि फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिले तो ओवरऑल बताऊँ तो कैपिटल बस्टिंग क्या समझ में आ गया कि कैपिटल बस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमें बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर ये सेलेक्ट करना होता है कि हम ऐसे कौन से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में या कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दें अपने पैसे को जिससे कि फ्यूचर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले हमें इन द सेंस हमारी फर्म को हमारे एंटरप्राइज को हमारे कंसर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कर रिटर्न मिले तो वह एक डिसीजन का टूल है मैनेजमेंट के लिए जिससे वो डिसाइड कर पाती है कि वो कौन से बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें तो अब क्या देखेंगे अब हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है कैपिटल बस्टिंग क्योंकि हमने मीनिंग डेफिनेशन देख ली अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कैपिटल बस्टिंग करनी हो तो हमें क्या प्रोसीजर अपनाते हैं तो सबसे पहला आता है प्रोसेस कौन सा प्रोजेक्ट जनरेशन हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को मींस आपके पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट सामने हैं कौन कौन से प्रपोजल्स हैं आपके पास आप उन सारे प्रपोजल्स की स्क्रीनिंग करते हो राइट right? देन आप क्या करोगे प्रोजेक्ट इवेलुएशन अब आप क्या करोगे जो भी अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आपके सामने दिख रहे हैं जो भी प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं आप उसे इवेलुएट करोगे इवेलुएट करने का क्या मतलब हुआ कि बेनिफिट और कॉस्ट का एनालिसिस करना बेनिफिट एंड कॉस्ट का एनालिसिस आप ये समझिएगा ये जो प्रोजेक्ट इवेलुएशन की जो सेकेंड uh, प्रोसीजर है आपका ये इसी के बेसिस पर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं क्योंकि इवेल्युएशन ही करना है और यहीं से ही आपको बेस्ट मिलने वाला है तो इवेलुएशन इंपॉर्ट

कि हमें किस पे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है कॉस्ट के रिस्पेक्ट में तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे राइट अपनी प्रायोरिटीज को स्टेब्लिश करते हुए हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे देन क्या आता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मतलब क्या हो गया कि अब आप उस प्रोपोजल्स को इंप्लीमेंट करने वाले हो मतलब आपने जो प्रोजेक्ट चूज किया जो इन्वेस्टमेंट चूज किया अब आप उस पर फंडिंग लगाने वाले हो ठीक एग्जीक्यूट करोगे एंड द लास्ट इज वॉट प्रोजेक्ट फॉलोअप जब आपने सब कुछ कर लिया तो अब आप फॉलोअप ले गए कि एक्चुअली वह वै वैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है तो यही पूरा प्रोसीजर है कैपिटल बस्टिंग का सबसे पहले सारे प्रोजेक्ट को इवेलुएट सबसे प्रोजेक्ट सबसे सब पहले सारे प्रोजेक्ट्स को आपको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है कि कितने अल्टरनेटिवस हैं आपके पास देन आपको इवेलुएट करना है कॉस्ट और बेनिफिट के बेसिस पर सबको इवेलुएट कर लो अब जिसपे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसको सेलेक्ट कर लो सेलेक्ट करने के बाद पैसे इसमें लगा दो एग्जीक्यूट कर दो एंड देन आप ये देखो कि सब एज इट इज हो रहा है कि नहीं आप फॉलो अप लो उसका तो ये तो उसका प्रोसीजर हो गया ओके okay, नेक्स्ट हम जो कवर करने वाले हैं वो है क्या कैपिटल बस्टिंग मैथड या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मैथड अब ये वो टूल है ये वो टेक्निक है जिसके बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल्स लगने वाले हैं मींस जो मैंने आपसे बोला कि इवेल्युएशन करना प्रोजेक्ट को वो यही टेक्निक के थ्रू हम इवेलुएट करते हैं सारे प्रोजेक्ट को बेनिफिट और कॉस्ट का इवेलुएशन हम इन्हीं टेक्निक के बेसिस पे करते हैं तो ये एग्जैक्टली exactly दो तरीके की होती है तो सबसे पहला क्या हो गया ट्रेडिशनल टेक्निक या नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक राइट ये वो टेक्निक्स होती हैं जिन टेक्निक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है वो ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है आपको लिंक में मिल जाएगा ठीक तो इन इन सारे टेक्निक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता है तो पहले टेक्निक क्या होगी पे बैक पीरियड मैथड पी मेथड पे बैक पीरियड मतलब कि ये आपको वो टाइम पीरियड बताने वाली है जितने टाइम पीरियड में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको पूरा का पूरा रिटर्न मिल जाएगा मीन्स मान लीजिए मैंने दो लाख रुपया लगाए प्रोजेक्ट में तो वो दो लाख कितने साल में मुझे रिटर्न मिल जाएंगे ये बात हम इस पे बैक पीरियड मेथड से कैलकुलेट करते हैं ये और भी कई तरीके से होती है इसमें और भी कई तरीके का कैलकुलेशन होता है बेल आउट पे बैक होता है डिस्काउंटेड पे बैक होता है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी भी होता है तो इन पे बैक में ये तीन मेथड और भी होते हैं जिनके थ्रू हम ये कैलकुलेशन करते हैं सेकेंड इज वॉट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मैथड दैट इज एआर मैथड ए आर आर मैथड क्या कहता है कि किस रेट से आपको रिटर्न मिल रहा है राइट right? आप जो पैसा लगाने वाले हो उस पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न का क्या परसेंटेज है ठीक तो ए आर आर मैथड आपको परसेंटेज में रिजल्ट देता है जबकि पे बैक क्या देता है टाइम पीरियड में आपको देता है ठीक तो ये ए आर आर मैथड हो गया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न किस रेट से आपको रिटर्न मिलता है ऑब्वियसली हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो कहते हैं ना पूछते हैं आठ परसेंट का रिटर्न मिल रहा है दस परसेंट का रिटर्न मिल रहा है बीस परसेंट का रिटर्न मिल रहा है रिटर्न कि, किस रेट से मिल रहा है तो ए आर आर वो रेट बताता है ठीक सेकेंड मैथड क्या होता है कैलकुलेशन का दैट इज आपका आ जाते हैं डिस्काउंटेड या मॉडर्न टेक्निक मेथड मॉडर्न टेक्निक या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक ये वो मेथड्स होते हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है राइट right? तो अब टाइम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट uh, को डिसाइड करें कि कहाँ प्रोजेक्ट में पैसे डालने हैं तो एक तो हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड दैट इज एन पी नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड मतलब ये हो जाता है कि जो पैसा आज आप लगा रहे हो ठीक प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट कर रहे हो तो आज आप एक साथ लगा रहे हो लेकिन जब आपको रिटर्न मिलेगा तो एक साथ नहीं मिलेगा वो एक साल में मिलेगा फिर सेकेंड ईयर कुछ मिलेगा फिर थर्ड ईयर मतलब जितना भी प्रोजेक्ट की लाइफ होगी उतने हर साल आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा तो एनपी में हम क्या करते हैं जो कई सालों बाद रिटर्न हमें मिलने वाला है हर साल हमें मिलेगा उसकी वैल्यू आज कितनी है ये हम कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इनफ्लो मतलब जो आने वाला है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उस कैश की जो इनफ्लो है जो आने वाली और हम उसे कम्पेयर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से राइट right? अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया कि जो पैसा आप लगा रहे हो जो इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करने वाले हो आज तो आज आप इन्वेस्ट करते हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो आपके सामने ही है तो मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ कैश इनफ्लो से हम माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ कैश आउटफ्लो को और जो रिजल्ट आता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो वो कहलाता है एनपीबी तो अगर इनफ्लो ज़्यादा रहा मतलब पॉजिटिव एन आई तो हम उस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट uh, को एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि भाई हाँ इनफ्लो ज़्यादा है आपकी कॉस्ट से तो हम दोनों का कंपैरिजन प्रेजेंट वैल्यू में करते हैं आज क्या इनफ्लो का रेट है और आज का हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है या नहीं तो एन इसके थ्रू आपकी कैलकुलेट होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो नेगेटिव एनपी तो हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे पॉजिटिव एनपी तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे नेक्स्ट मैथड इज़ वॉट इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न मैथड तो आई आर आर क्या होता है कि आई आर आर एक्चुअली वो रेट होता है जिस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ कैश आउटफ्लो इज़ जस्ट इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ कैश इनफ्लो मीन्स इस रेट पे आपका आउटफ्लो और इनफ्लो का जो अमाउंट होता है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो उस अगर उस रेट से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है मतलब मेरा इनफ्लो आउटफ्लो जब इक्वल हो जा रहा है और या उससे नीचे जा रहा तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करेंगे तो आईआरआर हमें एक्जैक्टली exactly वो रेट बताता है इसे डिस्काउंटेड रेट भी कहते हैं हर्डल रेट भी कहते हैं कट ऑफ रेट भी कहते हैं तो आई आर वो रेट होता है नेक्स्ट इज वॉट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मैथड तो जो पी आई मैथड होता है एक्चुअली वो इस मैथड के थ्रू हम क्या करते हैं रिटर्न को एक रुपये में मेज़र करते हैं मीन्स जो भी हमें मिलने वाला है उसकी वैल्यू एक रुपये में क्या है वो मैथड उसको मेज़र करने का तरीका ही पी आई कहलाता है अब होता क्या है कि समटाइम्स होता है कि दो प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हो रहे हैं जिन्हें हमें सेलेक्ट करना है और दोनों ही प्रोजेक्ट्स की जो एनपीवी आ रही है वो सेम आ रही है तो अब जब दोनों की दोनों ही प्रोजेक्ट्स की एनपीवी सेम है तो हम कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो हम उस टाइम पीरियड पे क्या करते हैं हम पी चूज़ करते हैं कि इस रिटर्न को हम एक रुपए में मेजर करें अगर एक रुपए से जिसका ज्यादा होगा हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे तो पीआई के थ्रू रैंकिंग कर पाना बहुत ही इजी होता है पीआई कैपिटल रैशनिंग के, के केस में भी बहुत हेल्पफुल होता है जब कैपिटल रैशनिंग की सिचुएशन होती है इन दैट केस पी के थ्रू ही हम रैंकिंग कर पाते हैं और प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर पाते हैं तो ये वो सारे मैथड्स हैं ये वो सारे टूल्स या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम कैपिटल बजटिंग में प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करते हैं और डिसीजन हैं कि हाँ भाई हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है जो हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिटर्न तो इन्वेस्टमेंट तो होगा हो सारे मेथड्स के थ्रू न्यूमेरिकल कैसे करेंगे मीनस एक्चुअली हमारे सामने जब प्रॉब्लम्स वैसी हो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हो तो हम कैसे इवेलवेट करेंगे हर एक मेथड के थ्रू हम वो देखेंगे तो पेबैक पीरियड मैथड जो कि कैपिटल बस्टिंग का एक टेक्निक है इस मैथड में हम क्या मतलब होता है इस मैथड का क्या फॉर्मूला होता है और इवन कैश फ्लो में हम पे बैक पीरियड मैथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पे बैक पीरियड मैथड क्या होता है कि एक नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है जो कि ट्रेडिशनल मैथड को बिलोंग करती है मीन्स इस मैथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता है ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो चलिए अब देखते हैं कि एग्जैक्टली पे बैक पीरियड मैथड किसे कहते हैं इससे कैलकुलेशन कैसे की जाएगी तो पे बैक पीरियड मैथड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल कैश आउटले इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड मेथड क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स को मतलब जब भी आप पे बैक पीरियड मेथड कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा नंबर ऑफ ईयर्स में आएगा जो क्या बताता है कि उस उसके जो भी कैश आउटले जा रहा है मतलब तो जो कैश आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट में वो कितने सालों में आपको रिकवर हो जाएगा ओके इट मीन्स वेयर द टोटल अर्निंग्स और नेट कैश इनफ्लो भी हम उसे कहते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल आउटले जहाँ पे टोटल अर्निंग जो आपको उस प्रोजेक्ट से मिलने वाली है इक्वल हो जाती है टोटल आउटले के जो आपसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आपसे क्या वो कॉस्ट लगने वाली है जो दोनों इक्वल करती है जिस टाइम पीरियड पे वो पीरियड कहलाता है पे पीरियड मतलब अल्टीमेटली पे पीरियड क्या हो गया कि वो टाइम पीरियड जब हम जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में वो हमें रिटर्न मिल जाएगा कितने सालों में वो सारा का सारा पैसा मुझे रिटर्न मिल जाएगा जितना मैंने लगाया है तो उसको ही पे बैक पीरियड मैथड कहते हैं अच्छा तो क्या एक्चुअली पेबैक पीरियड मैथड में क्या चीज़ होती है कैश इनफ्लो होता है कॉस्ट तो हम इन्वेस्टमेंट के लगाते ही हैं पर जो हमें रिटर्न मिलता है जो हमें इनफ्लो आती है दैट इज़ कैश इनफ्लो वो मेनली दो तरीके से आती है एक तो होती है इवन कैश इनफ्लो दूसरी होती है अन इवेंट कैश इनफ्लो अब जब भी हम प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे होते हैं तो एक केस तो ये रहता है कि हमें पता है कि हर साल हमें बीस लाख रुपये आ ही जाएंगे मीन्स जो हर साल की इनकम आने वाली है उसका अमाउंट फिक्स है आपको पता है कि यही कैश हर बार आपको इनफ्लो होगी तो उसे कहते हैं इवन कैश इनफ्लो पर हर टाइप के प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम ये पता रखें कि हर साल सेम कैश आने वाली है कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम कैश एग्जैक्टली कितनी ही आएगी या सेम कैश आएगी हर बार सेम कैश हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं सेम कैश ही आए ऐसा नहीं होता है हर साल का कैश का इनफ्लो अलग अलग होता है तो उसे हम कहते हैं अन कैश इनफ्लो तो हम दोनों ही केसेस में पे पीरियड मैथड को अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है इसका इवेंट कैश इनफ्लो का और अन का तो इवन कैश इनफ्लो जब आपको पता है कि कैश सेम आएगी हर साल जितने साल भी प्रोजेक्ट है उस साल की इनकम सेम होने वाली है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं पेबर पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई नेट नेट कैश इनफ्लो वेयर नेट कैश इनफ्लो मीन्स अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स तो पे बैक पीरियड मतलब क्या हो गया आपने जो इन्वेस्टमेंट में लगाया जो कॉस्ट लगाई डिवाइडेड बाई आपको जो पैसा आने वाला है नेट कैश इनफ्लो एनुअल नेट कैश इनफ्लो आपको हर साल जो इनकम आने वाली है उससे डिवाइड कर देना है और जो रिजल्ट होगा दैट इज पे बैक पीरियड पर अब ये बात है कि नेट कैश इनफ्लो का मतलब क्या हो गया नेट बोल रहा है एनुअल नेट कैश इनफ्लो का मतलब क्या हो गया अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स ऐसी इनकम जिसमें टैक्स तो डिडक्ट कर दी गई है पर डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं किया गया है इस तरह की इनकम को हम यहाँ पे इनकम मानेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन को इसलिए हम नहीं करते हैं उसको डिडक्ट नहीं बिफोर डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन इनकम में इंक्लूड रहेगा हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिडक्ट नहीं करेंगे और ऐसा इसलिए करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नोशनल कॉस्ट होती है एग्जैक्टली exactly अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट लग रही है ये एक प्रोविजन है तो वो कैश में एक्सपेंस नहीं होता है जब कैश में एक्सपेंस नहीं होता है तो उसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं तो हम इसलिए डेप्रिसिएशन को बिफोर रखते हैं तो मतलब डेप्रिसिएशन डिडक्ट किए बिना की, की इनकम तो इसीलिए पर टैक्स के लिए क्या होता है कि टैक्स तो हमेशा डेप्रिसिएशन और सारे एक्सपेंस होने के बाद ही टैक्स कैलकुलेट की जाती है तो वो नेट कैश इनफ्लो क्या हो गया ऐसी इनकम जिसमें डेप्रिसिएशन तो डिडक्ट नहीं की गई है लेकिन टैक्स डिडक्ट किया गया हो अच्छा ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जैसे नॉर्मली हमें पता होता है कि अगर किसी ने मुझसे एक लाख रुपए ले लिए कितना एक लाख रुपए किसी ने लिया और मुझे पता है कि वो हमें हमेशा एक एक हज़ार रुपया करके वापस करेगा एक हज़ार रुपया करके वो हर बार हमें वापस करेगा तो हमें पता है कि हमारा पैसा कितने दिनों में रिकवर आएगा हम क्या कहते हैं कि भाई एक लाख दिया है एक एक हज़ार करके वो देगा तो इट मीन्स वो कितने दिन में हमें रिटर्न कर देगा सौ दिन मतलब अगर हर दिन एक एक हज़ार देगा तो सौ दिन में हमें रिटर्न कर देगा तो हमने क्या किया वन लाख डिवाइड बाई वन थाउजेंड सिमिलरली हमें पता करना है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया वो कितने साल में रिटर्न आ जाएगा तो हमने कितना इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाई हर महीने कितना आने वाला है या हर साल कितना आने वाला है ये एनुअल होता है हर साल कितना आने वाला है हमें एग्जैक्टली exactly रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि पे बैक पीरियड ईयर में होता है ओके okay. अब हम देखते हैं कि अगर कैश इनफ्लो अन हुई तो क्या फॉर्मूला होता है जब हमें पता है नहीं है कि कैश कौन से अमाउंट से आएगी कभी दो लाख आएगी कभी दस लाख आएगी कभी पंद्रह लाख आएगी कभी एक लाख ही इनकम होगी तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो payback period equal to e plus B by C. पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ई प्लस बी डिवाइड अब यहाँ पे ई क्या होता है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स इमिडिएटली प्रोसीडिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी मतलब ई डिनोट करता है उस नंबर ऑफ ईयर को जिस ईयर तक आपकी रिकवरी होने वाली है मतलब कि प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग ईयर इस साल की रिकवरी की बात कर रहे हैं कि इस साल तक हमें चार लाख मिल जाएंगे तो चार लाख इस साल मिल रहे हैं इसके पहले वाले ईयर को हम ई कहेंगे ओके देन बी हम कैसे कहेंगे बैलेंस अमाउंट टू टू बी रिकवर्ड अभी हमारा जितना अमाउंट रिकवर करने को बचा हुआ है चार लाख में से कितना अमाउंट अभी अभी हमें पेमेंट कर मिलने को बाकी है तो बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड एंड सी इज इक्वल टू वोट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी फाइनल रिकवरी जो जिस ईयर हमें कन्फर्म कर देते हैं कि हाँ ये रिकवरी का ईयर कन्फर्म है इस ईयर तक तो पूरी पेमेंट आ जाएगी तो उस ईयर एक्चुअली कितना इनफ्लो होने वाला है उसे हम कहते हैं सी तो फॉर्मूला इज इक्वल टू ई प्लस बी बाई सी एग्जैक्टली exactly, अगर जब हम जब हम अनइवन कैश फ्लो का कैलकुलेशन uh, करेंगे पे बैक पीरियड का तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला अन इवन कैश इनफ्लो में होता है एग्जैक्टली exactly ऐसा है कि जैसे कि हमको पता होता है कि एक साल दो साल तीन साल चार साल ऐसे इन कैश आने वाली है पर जो मेरी दस लाख लगी है वो किसी पाँचवें साल में नहीं एक्जैक्टली दस लाख हमारा कवर हो रहा है छठे साल में एक्जैक्टली कवर नहीं हो रहा है पांच और छह के बीच में कवर हो रहा है तो एग्जैक्ट पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो जो एग्जैक्ट पीरियड जो फाइव एंड सिक्स के बीच का पीरियड कैलकुलेट करना होता है वही है तो फिफ्थ पीरियड हो गया ई सिक्स पीरियड में जो इनकम आने वाली हो गई वो सी और फिफ्थ और सिक्स के टोटल इनकम के डिफरेंस को हम बी कहेंगे तो ये कैलकुलेशन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगी अब हम नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा निकालने के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब कैलकुलेशन हम करते हैं मैंने ऑलरेडी लेवरेज में भी ये बता रखा है पर मैं यहाँ पे फिर से बताती हूँ क्योंकि ये ईबीटी पीबीटी जो भी बार बार आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन तो इसके लिए आपको प्रॉफिटलिटी स्टेटमेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है एक बार जल्दी से इसको रिव्यू करते हैं इसमें क्या होता है कि सेल्स या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपकी इनकम है उसमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं जो आता है वो कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाता है उसमें से हम फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते हैं जो आता है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहता है उसमें से हम इंटरेस्ट लेस कर देते हैं जो आता है वो अर्निंग बिफोर टैक्स कहलाता है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाता है मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले तक हमने सारा एक्सपेंस लेस कर दिया डेप्रिसिएशन वगैरह जितने भी खर्चे होते हैं सब खर्च उसके बाद क्या करते हैं सिर्फ टैक्स लेस करते हैं टैक्स लेस करने के बाद जो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड देना हो तो वो दे देते हैं उसके बाद जो इनकम आती है दैट इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हम चाहे एनपीवी कैलकुलेट करें चाहे आईआरआर कैलकुलेट करें चाहे हम पे बैक कर रहे हो कोई भी कर रहे हो हमें ये पीबीटी पैट ईबीटी का हमेशा टर्म्स मिलते रहेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly ये कैसे आता है तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं राइट right? न्यूमेरिकल ले रहे हैं न्यूमेरिकल क्या है कि अ प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपीज फिफ्टी लैक एंड अर्नस एनुअली अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज टेन लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ एट परसेंट पर एन एम बट बिफोर टैक्स ऑफ फिफ्टी परसेंट कैलकुलेट पे बैक पीरियड मतलब क्या हो गया कि एक प्रोजेक्ट है जो जिसमें पैसा कितना लगने वाला है पचास लाख पैसे लगने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट्स में जो हमें हर साल इनकम आने वाली है एनुअली हर साल की जो इनकम आने वाली है वो कितनी है दस लाख तो बोला है हर साल दस लाख आने वाले तो मतलब दैट इज क्वेश्चन ऑफ इवन कैश इनफ्लो या अन इवन कैश इनफ्लो ऑब्वियसली इवन कैश इनफ्लो क्योंकि हमें पता है कि दस है कि लाख लाख फिक्स ही इनकम हर साल आएगी तो कैश फ्लो कैसा इनफ्लो जो आने वाला है वो कैसा इवन है सेम है हर साल दस लाख आने वाला है ओके okay, तो फॉर्मूला हम इवन कैश इनफ्लो का लगाएंगे उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो दस लाख का प्रॉफिट दिख रहा है हर साल का वो कब का है आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ एट परसेंट इस दस लाख के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिडक्ट कर दिया गया है बट बिफोर टैक्स 50 परसेंट पर अभी इस प्रॉफिट में से टैक्स को डिडक्ट नहीं किया गया है ये 10 लाख का प्रॉफिट हमारे लिए रॉ है अभी अभी हमें इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिठाने की जरूरत पड़ेगी क्यों क्योंकि हमें तो चाहिए होता है कुछ और और यहाँ तो दे रहा है कि 10 लाख है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद पर टैक्स चार्ज करने के पहले तो अब हमें पे कैलकुलेट करना है तो चलिए करते हैं वी नो वॉट इज पे पीरियड पेपर पीरियड इज कॉल टू तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट कैश इनफ्लो ओके ओरिजिनल तो इन्वेस्टमेंट कितनी है मतलब कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितनी है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी है पचास लाख द नेक्स्ट इज वॉट नेट कैश इनफ्लो हमें चाहिए इसी फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें नेट कैश इन्फ्लो चाहिए अब नेट कैश इन्फ्लो का मतलब क्या हो गया ऐसी अर्निंग जो आफ्टर टैक्स हो मतलब टैक्स उसमें से डिडक्ट कर दिया गया हो लेकिन डेप्रिसिएशन डिडक्ट ना किया गया हो ओके गिवन इन क्वेश्चन अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स ऐसी अर्निंग दी गई जिसमें से डेप्रिसिएशन तो डिडक्ट है दस लाख में से आठ परसेंट का डेप्रिसिएशन डिडक्ट है पर टैक्स डिडक्ट नहीं है बट बिफोर टैक्स इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे मैंने वहां पे दिखाया था अर्निंग बिफोर टैक्स ई या पी क्योंकि सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट हो चुके अभी टैक्स डिडक्ट करना बस बचा हुआ है ओके देन नॉर्मली वी नो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस टैक्स तभी चार्ज किया जाता है जब सारे खर्चे डिडक्ट कर दिए जाते हैं तभी चार्ज किया जाता है सो हेयर फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो कि चार्ज कर दिया गया है नाउ वॉट वी डू वी चार्ज टैक्स टैक्स एक्सपेंस की बात करना होता है तो हमें क्या करना होगा पहले स्टेप में ऑलरेडी चार्ज चार्ज कर दिया गया है है तो हमें सिर्फ टैक्स करना देन स्टेप इज आफ्टर दैट वी डेप्रिसिएशन बिकॉज वी नीड अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन अब डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दिया गया है पर बिफोर डेप्रिसिएशन पाने के लिए हमें क्या करना होगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट एड कर देना होगा सिंपल है तो चलिए अब इसे सॉल्व करके देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया गया है दस लाख दिया है ठीक है यही तो दिया है हमारा एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या हो गया अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स ओके okay. तो उसमें से हमने क्या किया सबसे पहले टैक्स का अमाउंट डिडक्ट कर दिया क्योंकि टैक्स हम तभी डिडक्ट करते हैं सारे खर्चे डिडक्ट हो चुके होते हैं तो तो यहाँ डेप्रिसिएशन का खर्चा डिडक्ट हो चुका है तो लॉ हम टैक्स डिडक्ट कर देते हैं टैक्स का रेट कितना है फिफ्टी तो दस लाख का फिफ्टी हमने निकाल लिया कितना आ गया फाइव लाख अब हमें क्या करना होता है ये जो आ गया हमारा क्या आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया अब इसमें हमें क्या करना है हमें चाहिए यही था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन यही तो हमारी नेट कैश इनफ्लो है तो अब इसमें से हमें क्या करना है बिफोर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के लिए हमें ऐड कर देना है डेप्रिसिएशन के परसेंटेज गिवन है 8 तो है तो सिंपल पचास लाख का आठ परसेंट प्रोजेक्ट की पचास लाख उसका हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया चार लाख डेप्रिसिएशन आ गई तो जो आया दैट इज नाइन लाख वो हमारा क्या हो गया नेट कैश इनफ्लो या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन अब हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ फॉर्मूले पे पुट कर देना पे इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई नेट कैश इनफ्लो दैट इज एनुअल इन कैश इनफ्लो फॉर्मूले में पुट करते हैं पचास लाख की हमारी कॉस्ट थी नाइन लाख ,00 हमारा आ गया नेट कैश इनफ्लो तो हमारा जो ईयर में आया आंसर क्या हो गया फाइव पॉइंट फाइव फाइव ईयर्स मतलब इतने टाइम पीरियड में इतने ईयर्स में आपका पूरा पचास लाख ,00 रिपे हो जाएगा अगर हर साल इसी तरीके की इनकम हुई तो हर साल कितनी इनकम आनी है हमने नाइन लाख ,00 की तो इस तरीके से हमने इवन कैश इनफ्लो पे बैक पीरियड में कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लिया है नेक्स्ट हम देख लेंगे कि अन कैश इनफ्लो को अगर होता है तो हम पे बैक कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग थैंक यू